नमस्कार, बिजी लावादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए, आज हम लौकी और चने की दाल डाल के सब्जी और दाल सब्जी बनाएंगे, लेकिन उसमें आपको दाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देखिए, मैंने इतना चने का दाल ये छोटी कटोरी से एक कटोरी मैंने भिगो दिया है और इसको 1 से 1.5 घंटे लगे भिगो के रखने में। और 2 आलू लिया है और मैंने ये 250 से 300 ग्राम ये लगभग लौकी होगी, और हमारे 2 से 3 टमाटर हैं, ये प्याज है हमारे, और ये मिर्ची है और लहसुन है। इतना मैं इनको पेस्ट बनाऊंगी और पेस्ट बना के फिर दिखाती हूँ कि हमें आगे का क्या प्रोसेस है। ये मैंने कुकर गरम कर लिए हैं और इसमें 1 बड़ा टेबल स्पून जो मैं तेल डालती हूँ कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ। देखिए गरम हो गया काफ़ी। हम इसमें 1 तेज़पत्ता डालेंगे और साथ में ये पहले मैं मेथी डालूँगी। मेथी डालने की वजह से थोड़ा सा सब्ज़ी में लसार आता है। और फिर हींग डालेंगे चुटकी भर। इसके बाद मैं आलू को फ्राई करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। काट लीजिए इसको, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करिए क्योंकि हम लौकी को बड़ा काटते हैं, इसलिए जैसे लौकी को काटा है ऐसे। और आपको अगर बड़ी खाना है तो बड़ी भी डाल सकते हैं, तो जाड़े में होता तो जाड़े में तो बहुत ही लोग बिना बड़ी के ये चने के दाल की सब्जी, जो कि हम इसको बोलते हैं कि ये जो है गर्मी आ गई है इसलिए थोड़ा सा गर्म मसाले वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे। पर यह है कि इसमें टमाटर के बिना कोई सब्ज़ी बनाई नहीं जाती है। अब देखिए ये मेरा फ्राई हो रहा है आलू। आलू अच्छी तरीके से मेथी में फ्राई हो जाए तो मैं आपको ये मसाले, और ये रहा मेरा, ये मैंने प्याज लहसुन मिर्च को हरे पीस लिया है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ मसाले थोड़े बहुत डालेंगे। अब इसमें अभी हम आलू फ्राई हो रहा है तो इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल दे रहे हैं जिसके जल्दी से गुलाबी हो जाए, और गुलाबी होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। ये फ्राई हो जाए तो मैं इसको निकाल कर आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए ये मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मैं इन आलू को निकाल लूँगी पहले, उसके बाद मसाला तो मैं भूजूंगी, क्योंकि ये बिना दाल की ये सब्जी है जो हमें दाल का काम करता है, इसीलिए हम लोग इसमें चना का दाल भिगो के डालते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि इसमें टमाटर भी पड़ता है और लौकी भी पड़ता है। जिनको लौकी नहीं पसंद है वो लौकी इसी तरह बना के और सबको खिलाएं। देखिए अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी, ये थोड़ा सा मसाला मिर्च डालूँगी पिसा, तीखा भी होता है जो, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला डालूँगी ये। अब मैं इसमें मसाले को भूनती हूँ। कितनी अच्छी खुशबू आने लगी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जो मसाला हमारे जार में लगा हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं, और थोड़ी सी ये खड़ी धनिया, जो ये सूखा पिसा हुआ है धनिया पाउडर। अब इसी में मैं ये कद्दू अरे लौकी को डाल रही हूँ। देखिए थोड़ा बड़े साइज में काटना, तो ये भुजिया सब्जी तो है नहीं, ये रसेदार है, तो ये आलू पीस के तरह ही रखना होता है इसको। अब इसको मैं भूज रही हूँ और इसमें आलू को भी मैं डालूँगी। देखिए ये आलू कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। निकालने से थोड़ा सा हमारा ग्रेवी अच्छी तरीके से भुज जाता है।
अब इसमें हम डालेंगे ये जो चना का दाल है, जिसको हमको बोलते हैं कि कोई भी इसमें दाल की अब ज़रूरत नहीं है, ये सब्ज़ी हमारा दाल का काम पूरा करता है। एकदम बढ़िया सा फूल गया है, इसीलिए 1 से 1.5 घंटे इसको भिगो दीजिए और उसके बाद इसको डालिए। तो 2-3 सीटी, जैसे 2 सीटी लगेगी आपकी दाल भी पक जाएगा और सब्ज़ी भी साथ में हो जाएगा। हाँ ये देखो, ये मेरा कैसे तेल छोड़ने लगा है मसाला। अब इसमें हम 1 पाउच ये राजेश मसाला जो डालते हैं, इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट और बहुत ही खुशबू आती है। ये हमारा सब्ज़ी मसाला है, आप लोग इसको इस्तेमाल करिए, बहुत ही अच्छी मसाला है। अब हमने तीनों टमाटर को काट लिया है, अब इसमें हम डालने जा रहे हैं। अब इन सबों को मैं फिर से एक बार चला लूँगी। थोड़ा हल्दी कम दिख रहा है, थोड़ा सा हल्दी और डालेंगे और इसको भूनने के बाद हम, वाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो हमारा ये मसाले का जार था, इसी में मैं पानी को अंदाज से लगभग 2 कटोरी, क्योंकि ये रसेदार रहेगा लटपट वाला, तो ज़्यादा भी नहीं डालेंगे और कम भी नहीं डालेंगे। ये लगभग 2 छोटी कटोरी से नाप के ये मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ और पानी डाल रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह बनाएंगे तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। जिसको नहीं भी खाना है लौकी, वो ये लौकी बार बार आपसे बनवा के खाएंगे। अब मैं इसका ढक्कन लगा दे रही हूँ और 2 सीटी आने तक मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ, 2 सीटी आ गई है। अब मैं इसका प्रेशर निकाल के आपको सब्ज़ी सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई। ये हमारा सब्ज़ी लाजवाब लज्जतदार बन गया है। अब देखिए मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। अब इस पे हम धनिया की पत्ती थोड़ा सा गार्निश करेंगे और पूरी सब्ज़ी में भी हम इसको मिला देंगे। ये अब इसी तरह आप लोग भी आलू और चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी बनाइए टमाटर डाल के, और बिना दाल की ये सब्ज़ी और दाल का दोनों काम करता है। और दाल चावल रोटी जो भी आप खाते हैं, या रोटी या पराठा या चावल खाते हैं, उसके साथ खाइए। और बिजी इलाहाबादी को कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।